टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एनएडीए ने कड़ा एक्शन लिया है, जहां 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने के लिए बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया गया है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कड़ा एक्शन लिया। 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने के लिए बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया गया। वही नाडा की बैन किए जाने के बाद बजरंग पुनिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सरकार और नाडा ने मुझ पर जो प्रतिबंध लगाया, ये एक पहलवान और किसानों के साथ साजिश के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि नाडा के खिलाफ पहले ही कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है। बजरंग पुनिया ने इस दौरान सरकार और नाडा को चेतावनी दी कि सरकार और नाडा मुझ पर चाहे कितने ही प्रतिबंध लगा ले, ना तो हम पहले झुके थे और ना अब झुकेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो मुझ पर सभी प्रतिबंध हट जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा है, ये ट्रायल का मुद्दा उठा रखा है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कभी नाडा को डोप सैंपल देने से मना नहीं किया। जो वो मेरे घर पे डोप टेस्ट लेने के लिए आए थे तो वो एक्सपायरी किट लेके आए थे, और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है कि भाई एक्सपायरी किट आप किसी भी खिलाड़ी के साथ, एक मेरे साथ नहीं, मेरे साथ चलो टीम थी, उन्होंने देख लिया ये चीज़ें, आप उसमें 2020 2021 2022 जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी वो किट लेके वो आए थे घर पे, और उसमें वो सैंपल लेके गए थे। मैंने यूरिन सैंपल तो दे भी दिया था, लेकिन उसके बाद वो चेक करी मेरी टीम ने तो वो देखा कि एक्सपायरी किट है, तो वो सारी किट उनको दिखाया, वीडियो बनाया। उसके बाद हमने नाडा में मेल किया, नाडा को फोन किया कि भैया आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बजरंग पुनिया ने बताया कि 1 साल पहले नाडा के अधिकारी मेरे पास एक्सपायरी डेट की किट लेकर पहुंचे थे, जिसका विरोध भी किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो और सबूत है, नाडा एक्सपायर किट के साथ मेरे सैंपल लेना चाहती थी। बजरंग ने कहा कि सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के सामने सैंपल देने को भी तैयार हूँ, लेकिन किसी तरह का समझौता नहीं करूँगा। देखियो, मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है इसके प्रति, मुझे पहले ही पता था इनके रवैये का, नाडा का, क्योंकि नाडा के पहले भी ऐसे ही केस आए हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक बार तो इनको बैन भी कर दिया था कि भाई आप लोग टेस्ट नहीं ले सकते खिलाड़ियों के, क्योंकि इनकी पहले भी करप्शन में इनका बहुत बड़ा हो रहा है नाडा का। क्या मानते हो ये कि दविश भावना के कारण? बिल्कुल, मैंने बता रहा कि क्योंकि हम महिला पहलवानों के साथ खड़े थे, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी और नाडा को भी कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, नहीं झुकने वाला हूँ मैं बेटियों के साथ पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूंगा। और जो चाहे वो किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, हमेशा जो आवाज जिसके ऊपर अत्याचार होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरअसल बजरंग पुनिया ने अप्रैल 2024 में लगाए गए बैन के खिलाफ अपील की थी, और नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल ने 31 मई को नाडा द्वारा आरोप का नोटिस जारी किए जाने तक इसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया। 30 जून को नाडा ने उन्हें औपचारिक रूप से आरोपों की सूचना दी। बहरहाल देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कुछ मोड़ देखने को मिलता है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।